बाई नेम और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल बेसिकली पावर कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट जो भी पावर दे रहे हैं वो किसको देंगे वो ऑफिसर को देंगे ऑफिसर को किसको देंगे उसके टाइटल को दे देंगे बस कि फॉर एग्जाम्पल सिविल जज के पास जुडिशियल मेजिट्रेट फर्स्ट क्लास के पास यही पावर होंगी ठीक है तो पावर स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट दे रहे हैं हाईकोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द के केस में भी जिसने अपॉइंट किया है देखा जैसे हमने देखा था एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं और बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स कौन अपॉइंट कर रहा था हाई कोर्ट ठीक है एंड अच्छा क्लास टू देख लेते हैं कि भाई ये जो पावर दी जाएगी ये इफेक्टिव कब से होगी जब भी उनको कम्युनिकेट किया गया है फॉर डेट ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक है सो डेट ऑफ कम्युनिकेशन से होती है सेक्शन थर्टी थ्री में आ जाते हैं पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड जो भी अपॉइंट हुए हैं वेन एवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और हैज बीन

स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा था हमने जो देखा था गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मेजिस्ट्रेट uh, अपॉइंट कर रहे थे तो उसके लिए कह रहे हैं विदिन uh, कौन से एरिया में होगा जो भी एरिया किस एरिया के लिए पावर होगी जिस एरिया को स्पेसिफाई किया जाएगा बस ठीक है समझ गया ना लोकल एरिया क्या होगा उसको ऑफिसर उस, उस का जहां पे वो एक्सरसाइज करेगा अगेन गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी हाईकोर्ट स्पेसिफाई करेगा जिसको भी पावर दी गई है उसको विद्रॉ किया जा सकता है सेक्शन थर्टी फोर में सो so, ये विड्रॉल की पावर भी हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी बाई विड्रॉ ऑल और एनी पावर्स कन्फर्ड बाई इट अंडर दिस कोर्ट ऑन एनी पर्सन और बाई एनी ऑफिसर कब्डिनेट टू इट ठीक है सिमिलरली सी जे एम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्योंकि कुछ जुडिशियल मैजिट्रेट को पावर uh, कुछ पावर्स दे रहा था सी जी एम एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को पावर दे रहा था कह रहे वो लोग भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं अब मैजिस्ट्रेट से लास्ट सेक्शन 35 यहां के लिए पावर्स के अंदर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ जज और मैजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज़ और परफॉर्मड बाय हिज सक्सेसर इन हिज इन ऑफिस जो भी पावर और ड्यूटी दी गई है उस उस जज को उसके जाने के बाद जो भी आएगा सक्सेसर होगा उसके पास भी वही पावर होंगी ये तो बताइए भाई अगर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कुछ पावर है उसके जाने के बाद जो नया जुडिशियल उसी उसी की पोस्ट पे आ रहा है उसी उसी की जगह पे आ आ आ रहा रहा है, है, है। लोकल एरिया में आ रहा है, उसके पास वही पावर्स जाएंगे, ठीक सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज शेल डिटर्मिन ऑर्डर इन राइटिंग द जज हु शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड फॉर एनी और ऑर्डर बी डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सच एडिशनल और असिस्टेंट सेम पावर्स सीजीएम को दे रखी है अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जगह कोई आया मतलब जो जा चुका है उसकी जगह पर दूसरा आया डिसाइड करना है कि क्या वो सक्सेसर इन ऑफिस है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा ये भी सीजीएम या तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये सेम चीज क्लॉज थ्री में अगेन दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर जुडिशरी एग्जाम्स प्री में खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अब यहां से कुछ प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर फोर में आ जाते हैं अब हम चैप्टर फोर दो पार्ट्स में डिवाइड ए और बी पार ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस दिस इज इंपॉर्टेंट या आंसर राइटिंग में अपने मेंस में यूज कर पाओगे अगेन प्री में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बी यस yes, इसमें शायद कोई पूछ ले सो एड टू मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस पुलिस को एड करना या मैजिस्ट्रेट्स अगर एड मांग रहे हैं कौन किससे मांग रहे हैं प्राइवेट पर्सन से फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर मुझसे या आपसे कोई एड मांग रहे हैं हेल्प मांग रहे हैं तो हमें देनी पड़ेगी कब कब देनी पड़ेगी उसके लिए ऑब्लिगेशन बता रहे हैं ठीक है कब कब देनी पड़ेगी सो फिलहाल सेक्शन थर्टी सिक्स की बात करते हैं सेक्शन थर्टी सिक्स इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो ये कह रहा है कि जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है दैट मीन्स एसएचओ, जो एसएचओ की पावर है वो एसएचओ के जो भी ऊपर ऊपर का पुलिस ऑफिसर है उनके पास भी वही पावर है समझ गए ये बात इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द एफ आई आर एफ आई आर रजिस्टर करना किसका काम है सेक्शन वन फिफ्टी फोर सीआरपीसी के हिसाब से एसएचओ या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जब वो काम एस एच ओ कर सकता है तो वही काम एसपी भी कर सकता है उसका हायर रैंक का जो ऑफिसर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो भी वही काम कर सकता है समझ गए यहीं पर ही अगर मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं जब एफआईआर रजिस्टर होने से रिफ्यूज हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है हम एसपी के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि सर आप प्लीज इस एफ को रजिस्टर करो समझ गए और वो एसपी खुद ही रजिस्टर कर देगा उसको एसएचओ को कहने की जरूरत नहीं है कि आप इसको एफआईआर को रजिस्टर करो एसपी के पास खुद के पास ये वाली पावर है सेक्शन 36 सीआरपीसी के हिसाब से कि वो वो काम कर सकता है जो उसका सबोर्डिनेट कर रहा है जो सबोर्डिनेट कर रहा है वही काम उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है समझ गए ये पावर दे रखी है सेक्शन 36 में पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे एक्स एसम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच अपॉइंटेड ज मे बी एक्सरसाइज बाई सर विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेशन जो स्टेशन के अंदर जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है वही पावर उसका सुपीरियर पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकता है क्लियर है सिंपल है आप इसको सेक्शन 36 को आंसर राइटिंग्स में मीन के अंदर यूज कर सकते हो नाउ सेक्शन 37 एड के अंदर आ जाते हैं मैजिस्ट्रेट अगर पुलिस मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर अगर एड मांग रहा है तो हमें एड देनी पड़ेगी सन इज बाउंड टू असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनबली डिमांडिंग इज एड कि कब कब इन टेकिंग ऑफ प्रिवेंटिंग ए स्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू अरेस्ट सो अगर पुलिस <laughs> ऑफिसर या सो so, अगर पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट एड मांग रहे हैं ठीक है किस चीज के लिए भाई वो भाग रहा है उसको पकड़ो अरेस्ट करना है हमें तो जिससे भी मांग रहे हैं उसको हेल्प करनी पड़ेगी ठीक है आगे करते हैं इन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस ब्रीच ऑफ पीस के लिए भी अगला करते हैं सो so, uh, प्रिवेंशन ब्रीच ऑफ पीस ब्रीच ऑफ पीस के लिए प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्पटेड और टू बी कमिटेड ऑन एनी रेलवे कैनाल टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी के को, ऊपर कोई इंजरी कर रहा है उसको रोकने के लिए अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर एड मांग रहा है तो एड देनी पड़ेगी ठीक है so सो ये हो गया एड के रूल्स एड के लिए बेसिकली एक तरीके से समझ लो सेक्शन थर्टी सेवन में लीगल ऑब्लीगेशन क्रिएट हो रही है इंडिविजुअल्स की अगर उन्होंने नहीं किया तो आई के अंदर अलग अलग ऑफेंसेज बन जाएंगे ये ठीक है, सो so, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं सिमिलरली ये सारे प्रोविजन लीगल ऑब्लीगेशन क्रिएट करेंगे सेक्शन पर्सन टू होम द वॉर इज डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वॉरंट मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज टू बेसिकली ही मे इश्यू वॉरंट ऑफ अरेस्ट

अरेस्ट वारंट इश्यू करके दिया कोर्ट ने ठीक है सो so, किसी और थर्ड पर्सन को भी ऑथराइज किया जा सकता है अरेस्ट के लिए तो हो गया अब यहां पे इंफॉर्मेशन की बात आ रही है एट टाइम्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर और magistrate. Magistrate पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड है

364 ए 382 392 से 399 इन सभी ऑफेंसेस के अंदर लिस्ट एक बार पढ़ लेना इन सभी ऑफेंसेस के अंदर अगर ऐसा ऑफेंस हुआ है या होने वाला है तो प्राइवेट पर्सन इज बाउंड टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर देखो शेल इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग सच एक्सक्यूज शेल लाइ अपॉन द पर्सन टू बी अवेयर फॉर विद गिव गमेशन टू द नियरेस्ट मेजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन समझ गए ये देना उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर नहीं दी तो क्या एक्सक्यूज है क्या रीजनेबल एक्सक्यूज है क्यों नहीं दी? तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। example, हमारे किसी में हुआ है, हुआ है। मुझे पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट समझ गए अगेन लीगल ऑब्लिगेशन है जिसे अगर मैंने फुलफिल नहीं किया तो आई कैन बी मेड लायबल अंडर द आईपीसी ठीक है ओके okay, uh, ये देख सेक्शन में आ जाते हैं जो अभी हमने पढ़ा ना सेक्शन थर्टी नाइन के अंदर उसी से मिलता जुलता है सेक्शन फोर्टी बस ये विलेज के ऊपर लग रहा है विलेज के अंदर डेरा आर सर्टेन ऑफिसर्स जो कि विलेज के अंदर इन्वॉल्व है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है अब अगर वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे या कोई और पर्सन जो कि उस विलेज का रेजिडेंट है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है अगेन लीगल ऑब्लिगेशन है लाइबल अंडर द आईपीसी देखो क्या लीगल ऑब्लिगेशन है एवरी ऑफिसर इम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज और एवरी पर्सन रिसाइडिंग जो रह रहा है इन अ विलेज अलेज फोर्थ विद कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट सेम वही मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विच एवर इज नियरर एनी इंफॉर्मेशन विच ही मे पर्ज रिस्पेक्टिंग परमानेंट और टेम्परिरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोर प्रॉपर्टी और नियर सच विलेज, द रिजॉर्ट टू एनी प्लेस विद इन दर द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन होम ही नोज रीजनली सस्पेक्ट टू बी अग रॉबर एस्केप कन कन्विक्ट प्रो ऑफेंडर इन लोगों के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है कि आस पास विलेज में रह रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्म करना पड़ेगा एंड सो ऑन ये एक बार लिस्ट देख लेना ठीक है ये किसके लिए बनाया है विलेज में जो रेजिडेंट्स है उनके लिए ड्यूटी है और साथ साथ अगर कोई ऑफिसर अपॉइंट uh, किया गया उस विलेज के अफेयर्स के लिए तो उनकी भी ड्यूटी है ठीक है ये हो गया हमारा एड एंड इंफॉर्मेशन ठीक है टू द पुलिस ऑफिसर एंड मेजिस्ट्रेट और ये सभी प्रोविजंस लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहे हैं नाउ कमिंग टू चैप्टर फाइव नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अरेस्ट ऑफ पर्सन यहां पे अब हमारे क्वेश्चंस फ्री के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है सो so, इन्हें स्टार्ट करेंगे एक एक करके देखते हैं सेक्शन फोर्टी वन जो कि हमें बता रहा है कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है अच्छा बिना वारंट के अरेस्ट कब करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए नॉन कॉग्निजेबल में तो वैसे भी अरेस्ट वारंट चाहिए हाँ एक्सेप्शन है वो पढ़ेंगे सेक्शन 42 में 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 आएंगे तब पढ़ेंगे नॉन नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी अरेस्ट विदाउट वारंट एक सिचुएशन में पॉसिबल है बट यहां पर फिलहाल हमारी बात हो रही है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सो इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कब कब अरेस्ट हो सकते हैं विदाउट वारंट देखते हैं एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मेजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वॉर अरेस्ट एनी पर्सन किसी आदमी को अरेस्ट कर सकता है किसको अब यह देख रहे हो फुट नोट फुटनोट नंबर वन ये टू थाउजेंड नाइन में एड हुआ अगेन प्री का क्वेश्चन बन सकता है सो टू थाउजेंड नाइन में बाइफरकेशन की गई है पढ़ लेंगे समझा देता हूं पहले सो so, बेसिकली अब इस टू थाउजेंड नाइन में क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज बी ए बनाया गया ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं ए बी बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पुलिस ऑफिसर के सामने हुआ है सीधा अरेस्ट कर सकते हैं क्लॉज ए क्लॉज बी के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं हुआ है कहीं और कभी और हुआ था कभी और हुआ था और वो पनिशेबल है लेस देन सेवन ईयर्स ऐसा ऑफेंस विच इज पनिशेबल इज लेस देन सेवन ईयर्स वो चला जाएगा क्लॉस बी में सात साल से ज्यादा वाला ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल मोर देन सेवन ईयर्स वो चला जाएगा बी ए में समझ गए सात साल से कम बी सात साल से ज्यादा बी ए सात साल से कम वाले केस में अगर अरेस्ट करना है तो प्रॉपर रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और सरकम यहां पे दे रखे हैं क्या क्या सरकम स्टांसेज होने चाहिए कि वो जो है जिसको आप अरेस्ट करने वाले हो वो भाग सकता है एब्सकॉन्ड हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको पकड़ना बड़ा जरूरी है नहीं तो और ऑफेंसेस कमिट कर देगा ऐसी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही होंगी और रीजनेबल इंफॉर्मेशन है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है सिर्फ तभी अरेस्ट कर सकते हो क्योंकि दीज आर लेस सीवियर ऑफेंसेस

हैं। Clause a में आ जाता है। कमेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर के सामने cognizable कोई भी साल साल से कम, साल से कम, ज़्यादा सीधा अरेस्ट कर सकते हो कोई रीजन नहीं रिकॉर्ड करना कुछ नहीं करना सीधा अरेस्ट कर लो क्लॉज बी अगेंस्ट हुई रीजनबल इन्फॉर्मेशन बीन रिसीव एक्सिस्ट कमेड कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद एम्प्रोव फॉर अ टर्म विच मेक्स

साथ साथ ये भी प्रूव करना अरेस्ट इज एनी फर्दर ऑफेंस और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग टेम्परिंग कर देगा प्रिवेंट सच पर्सन मेकिंग एनी इंडियमेंट थ्रेड प्रॉमिस टू एनी पर्सन विटनेसेस को थ्रेटन करेगा उनको रोकने के लिए जरूरी है कि इसको अरेस्ट करो और आएगा नहीं जब भी, भी बुलाएंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तभी अरेस्ट कर सकते हो नहीं तो नहीं कर सकते सो इट इज डिफिकल्ट टू अरेस्ट अ पर्सन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पर्सन हुबल एंड इज पनिशेबल विद अप टू सेवन ईयरस जबकि बी ए में आ जाते हैं,

फ्रीडम ऑफ लिबर्टी की वायोलेशन नहीं करनी है कोशिश करना है अरेस्ट हो अरेस्ट करना पड़ रहा है तो करो जरूरत है तो करो अननेसेसरी जेल के अंदर भी ओवरबर्डन करोगे अननेसेसरी क्या फायदा और उसकी हम फ्रीडम को वायोलेट कर देंगे क्योंकि कल को अगर कहते हैं ना अब एन्यूज इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी जब तक कि गिल्ट ही नहीं प्रूव हो रहा तब तक क्यों आपको अरेस्ट करना है हाँ, सजा देनी है तो अरेस्ट करो ना फिर जेल में बंद करो उसको इज देर इज नो लीड ठीक है नाउ क्लॉज सी यहां तक तो हो गया नेक्स्ट इज अब रूल आ रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर अंडर दिस कोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं क्लॉज सी में इन पोजिशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है उसमें अरेस्ट कर सकते हैं

उस पर्सन को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं मतलब पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ 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 फोर्सेस फोर्सेस क्या होता है जो डेड फोर्सेस को ज्वाइन किया था और बिना प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करे उसको छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं डेजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज डेजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की हर साल एक लिस्ट निकाली जाती है इशू की जाती है जो कि हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट की जाती है ठीक है

उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं हम इसके लिए सेक्शन थ्री एंड फोर आईपीसी को भी रेफर कर सकते हैं ठीक है ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया थ्री एंड फोर आईपीसी को आप पे कनेक्ट कर लेना रिलीज कन्विक्ट एंड इफ वॉलेट्स क्लॉस फाइव ऑफ सेक्शन थ्री फिफ्टी सिक्स सीआरपीसी ऐसा आदमी जिसको कन्विक किया था सजा पूरी हो गई रिलीज कर दिया छोड़ दिया जब उसको बोलते हैं रिलीज कन्विक्टिलीज कन्विक्ट है ना वो तो सेक्शन 356 फिफ्टी सिक्स फाइव में कहते हैं कि भाई जो रिलीज कन्विक्ट है ना अगर वो अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज कर रहा है तो उसको अपने पुलिस ऑफिसर को नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर मैं ये जगह छोड़ के किसी और जगह पर जा रहा हूं अगर वो ऐसा नहीं करता कुछ कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेज हैं अगर वो ऐसा नहीं करता तो ऐसे में आ, उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वॉर समझ गए क्योंकि हो सकता है कभी फ्यूचर में किसी और केस में उसकी जरूरत पड़ सकती है प्लस जिसकी अगेंस्ट रेक्यूजेशन दी गई है अरेस्ट एनी रेक्यूजेशन वेदर रिटर्न और जिसके लिए अरेस्ट के लिए रेक्यूजेशन दी है व्हाट विक्यूजेशन रेक्यूजेशन मतलब रिक्वेस्ट सपोज करो गुड़गांव पुलिस स्टेशन ने मुंबई पुलिस स्टेशन को रेक्यूजेशन भेजी कि यह बंदा आपके जोश के अंदर इसको फटाफट अरेस्ट कर लो तो मुंबई पुलिस स्टेशन फटाफट से उस बंदे को अरेस्ट कर लेंगे ठीक है सो so, ये पावर दे रखी है क्लॉस आए में सो so, इसके लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है क्योंकि होता है कि बहुत जल्दी होती है अरेस्ट करने की नहीं तो वो कहीं वो एब्सकॉन्ट ना हो जाए समझ गए ग्राउंड समझ गए सो so, ये सारे ग्राउंड इन इन ग्राउंड पे अरेस्ट विदाउट वॉरंट इज पॉसिबल ठीक है नाउ क्लॉस टू में आते हैं

नहीं हो सकता लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू 42, सब्जेक्ट टू 42। मतलब 42 टू करेगा इस प्रोविजन को दैट मींस सेक्शन 42 के अंदर सेक्शन 42 के अंदर अरेस्ट विदाउट वारंट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पॉसिबल है एक बार फटाफट 42 में आते हैं सीधा सेक्शन ४२, टू वेड बीन कॉग्जेबल ऑफेंस रिफ्यूजेज ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस और गिवस अ नेम और रेजिडेंस विद सच ऑफिसर हैीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स क्या रहे रही hmm? भाई देखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ किसके सामने हुआ पुलिस ऑफिसर के सामने हुआ पर क्योंकि नॉन अरेस्ट तो कर नहीं सकते डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर ने कहा भाई तेरा नाम क्या है तू कहां रहता है उसका नाम एड्रेस पूछा नाम एड्रेस नहीं बता रहा है। या बता रहे झूठ है, है पुलिस ऑफिसर को प्राइम ऑफिसर लग रहा है झूठ बोल रहा है ऐसे में उसको अरेस्ट कर सकते हैं इवन दोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है नॉन देखो रिक्वायरमेंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर होना चाहिए एंड तीसरा नेम एंड एड्रेस सही नेम एड्रेस नहीं बता रहा है तीन रिक्वायरमेंट्स है तो उसको अरेस्ट कर लो कब तक अरेस्ट करेंगे जब तक कि सही नाम एड्रेस नहीं बता देता और नहीं बताया सो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स हैज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन वन सिक्सटी सेवन सीआरपीसी जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है 167 में प्रोड्यूस करना पड़ता है वैसे ही नॉन कॉग्निजेबल में भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर तो उसको विदाउट विदाउट वॉर अरेस्ट किया गया था और वो अपना नाम एड्रेस अरेस्ट होने के बाद भी नहीं बता रहा है ठीक है तो बाकी देख लेंगे नेक्स्ट uh, आते हैं सेक्शन 43 में अभी हमारे बीच में कुछ प्रोविजंस है उसके अंदर भी आएंगे सेफ गार्ड्स से अरेस्ट का बट पहले 43 एंड 44 देख लेते हैं सेक्शन 43 थ्री अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन बता रहा है एंड सेक्शन 44 फोर अरेस्ट मैजिस्ट्रेट बता रहा है प्राइवेट पर्सन कब इज इंपॉर्टेंट प्री में बेसिकली सेक्शन है सेक्शन 43 44 याद रखना 43, 44. बोलना मत इसको? बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन के नंबर है इसमें कुछ भी नहीं है, 43, 44, याद रखना है आपको प्राइवेट पर्सन मैजिस्ट्रेट फोर्टी फोर ठीक है देखो इसको याद करने के लिए पहले प्राइवेट पर्सन आता है उन्हीं में से कोई मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है हमें से कोई अपॉइंट होगा ना मैजिस्ट्रेट तो इसलिए पहले प्राइवेट पर्सन की राइट है फिर मैजिस्ट्रेट की राइट है ठीक है सो फोर्टी थ्री फोर्टी फोर यह याद रखना सेक्शन ओके okay. प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है जब प्राइवेट पर्सन के सामने इन प्रेजेंस कोई एक ऑफेंस कमिट होता है कौन सा ऑफेंस यहां पे कैटेगरी दे रखी है नॉन बेलेबल होना चाहिए और कॉग्निजेबल होना चाहिए तब आप अरेस्ट कर सकते हो आ, उस ऑफेंडर को समझ गए अगर मेरे सामने कोई आदमी नॉन अवेलेबल कुछ कमिट कर रहा है तो मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूं और क्या करूंगा अरेस्ट करके ये नहीं मारपिटाई शुरू कर देंगे उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देंगे वो पुलिस ऑफिसर अब उसको रीअरेस्ट करेगा प्रॉपर अरेस्ट करेगा ठीक है उसके लिए वो सेक्शन फोर्टी लगा देंगे समझ गए पर ये थोड़ा सा मतलब ठीक है यहां पे बेसिकली वो नॉन अवेलेबल कॉग्निजेबल होना चाहिए मतलब वो स्ट्रॉग ऑफेंस होना चाहिए ऑफेंस होना चाहिए तभी तो नॉन अवेलेबल कॉग्निजेबल है पर यहां पे थोड़ा सा डाउटफुल ये है अब ये प्राइवेट पर्सन को कैसे पता होगा कि ऑफेंस अवेलेबल है नॉन अवेलेबल है या ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल होता क्या है यही नहीं पता होता अवेलेबल नॉन अवेलेबल क्या होता है यही नहीं पता होता किसी प्राइवेट पर्सन से ठीक है

अरेस्ट बाई मेजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता इसके लिए दो है clause one, clause दोनों पढ़ने judicial, or मांग अभी पढ़ा था ना एड ठीक है ऑफेंडर एंड मे to bail commit the offender टू custody अगर मैजिस्ट्रेट के सामने व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट के सामने उसी की ज्यूरिस्टिक्शन में अगर ऑफेंस हुआ है, तो वो अरेस्ट कर सकता है समझ गए सो so, उसकी लोकल ज्यूरिस्टिक्शन होनी चाहिए और उसके सामने हुआ अगर ज्यूरिस्टिक्शन के बाहर हुआ है सपोज एक मैजिस्ट्रेट है गुड़गांव के अंदर ऑफेंस वो घूमने गया हुआ था मेबी मुंबई मुंबई में उसके सामने ऑफेंस हुआ देयर ही एज अ प्राइवेट पर्सन तो सेक्शन फोर्टी थ्री लगेगा फोर्टी फोर नहीं लगेगा याद रखना जोरिस्टिक्शन के अंदर है, वहीं पर ही ऑफेंस होता है तो ऐसे में सेक्शन फोर्टी फोर क्लॉज वन में अरेस्ट कर सकते हैं या कोई भी ऑफेंस अवेलेबल नॉन अवेलेबल नॉन कॉग्जेबल क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया नॉ क्लॉज टू एनी मेजिटेट वेदर एक्जीक्यूटिव और जुडिशियल अरेस्ट और डायरेक्ट अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद विद इन हिज लोकल जोरिस्टिक्शन

वाले प्रोविजन पे आएंगे फोर्टी वन ए बी सी उन सबको देख लेंगे और बाकी के और जो उसके साथ के कनेक्टेड प्रोविजन है उन्हें डिस्कस कर लेंगे ठीक है थैंक यू